फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर आईटीआई कॉलेज में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया भाग। इस मेले में कई कंपनियों ने भाग लिया। कई अभ्यर्थियों को मौके पर नियुक्ति पत्र दिए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने प्रदेश व देश की सरकार युवाओं को रोजगार की गारंटी को रोजगार मेला लगा कर रोजगार दिया जा रहा है। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। रोजगार मिलेगा, कितने लोग आए हैं? देखिए 14 कंपनियां आमंत्रित की गई हैं, अधिकतर आ चुकी हैं और बच्चों का चयन कर रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो बच्चे यहां आज उपस्थित हैं उसमें से 80% बच्चे हमारे आज नौकरी प्राप्त करके जाएंगे और कुछ बच्चों का चयन हो चुका है जो अभी आपके सामने यहां ऑफर लेटर के रूप में जो है पता चलेगा। और मेरी तरफ से जो है सभी बच्चों को शुभकामनाएँ हैं और स्टाफ को सब धन्यवाद। समय क्या है? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि मेले के माध्यम से नौजवान बच्चों को रोजगार मिले, नौजवान बेटियों को रोजगार मिले। ऐसे रोजगार मेले में आज हम आईटीआई स्कूल जो सुखाबाद में है यहाँ पर हमारे बीच में संयुक्त निदेशक योगेंद्र सिंह जी, केडी मिश्रा जी और सभी आईटीआई से जुड़े हमारे टीचरगण यहाँ उपस्थित हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहन और भाई भी कम से कम तो होंगे यहाँ 500 बच्चे यहाँ एकत्रित। और इस विद्यालय में, इस आईटीआई कॉलेज में 14 कंपनी आई हैं। उन 14 कंपनियों में मुझे लगता है कि 1700 से ज़्यादा बच्चों को उन्हें लेना है। और जो भी बच्चे उन कंपनियों में फिट होंगे निश्चित रूप से 1700 से भी ज़्यादा बेटे और बेटी यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। निश्चित रूप से इनके घर में, इनके परिवार में और ख़ास तौर से इनके मन में खुशहाली आएगी। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, साथियों मैं तो बधाई देता हूँ। और इस रोजगार मेले में इतने बहन और भाई यहाँ उपस्थित हैं, इनकी तरफ से भी मैं बधाई देता हूँ कि इन बच्चों को जब ये रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से इनके घर में, इनके परिवार में, इनके दिल में खुशहाली आएगी।